कम्युनिकेशंस एक और नया कैमरा लाइकोस के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो प्लीज प्लीज पूरी वीडियो वॉच करें, पूरा ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये 4K का कैमरा है, वाकई एक्चुअल में 4K है। कैमरा आता है, साथ में माउस आता है ऑपरेट करने के लिए, एक डेटा केबल्स आती है, USB केबल्स, ये आपका HDMI केबल आ गई, आपको वो 50 लगानी है, मैंने ये सामने लगाई हुई है। ये माउस है, माउस के साथ में जो पड़ा हुआ है, साथ में एक छोटा चार्जर है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये कैमरा हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद बताना ही है कि इसके क्या फीचर्स हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने दो कैमरे बताए जो कि हमारे पास 6000 और 7000 में अवेलेबल्स है। क्वालिटी वाइज क्लैरिटी आप इसकी भी दे रहे हैं, बहुत शानदार क्वालिटी है, क्वालिटी इतनी शानदार से कि अगर आप इसको समझ लेते हैं और इसके जो फंक्शन है वो अगर आप समझ लेते हैं तो शायद आप इस पर वो काम कर सकते हैं जो आप बाकी शायद दो कैमरों पर नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा क्या है, मैं मीनू कहता हूँ कि मीनू खुल गया इसका। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव दिखा रहा है, रेडियो सेटिंग दिखा रहा है आपको, आईपीएस की सेटिंग दिखा रहा है, मॉनिटर साइज 31.5 मैक्सिमम इंच को सपोर्ट करता है। और जो है उसके बाद जो है नीचे जो फंक्शंस आ रहे हैं, ये आपका कैमरा कैप्चरिंग फंक्शन है, अगर आपको स्नैपशॉट लेना है ये वीडियो कैप्चरिंग के लिए है, ये जो है जूमिंग करने के लिए है, जैसे कि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं ये आपका जूमिंग होना शुरू हो गया, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं ये माउस से सारा ऑपरेट हो रहा है, ये जो है आपका जूम आउट करने के लिए, जूम इन करने के लिए, ये HDR क्वालिटी है, ये जो है आपका AE को सेटिंग करने के लिए। देखिए इससे मैंने क्लिक किया तो ये पोर्शन पीछे का ब्लैक हो गया, दोबारा क्लिक किया ये थोड़ा ज़्यादा वाइट हो गया। ये जो है मेजरिंग टूल्स है, ये मेजरिंग टूल्स कब काम आते हैं, जब आप किसी पर्टिकुलर IC को डिवाइड करना चाहते हो, जैसे कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ से आप, ये पेन का निशान आ रहा है, पेन को आप क्लिक करके कोई चीज़ आपको हाईलाइट करनी है इसके अंदर, तो आप यहाँ पे इसको जो कलर आपने चूज किया है वो कलर लेके आप इसको यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, पहली बार। दूसरी बार इससे आपको एग्जिट होना है, वापस आप उसी के ऊपर आ जाएंगे, ये आपका वापस कैमरा आ गया, आप इसको वापस यहाँ पर क्लिक कर देंगे खत्म हो जाएगा। ये आपके नोट्स है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज यहाँ पे हाईलाइट करके लिखनी है तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ से उठा के। उसके बाद ये कलर सेटिंग है, जो कलर आप चूज करना चाहते हैं, ये HD डिटेक्शन है, ये कलर अगर आपने यहाँ पर रेड चूज कर लिया तो ये मार्कर आपका रेड में चलेगा। मेजरिंग टूल के साथ काम करें, कैलिब्रेशन में आ जाता है आपका इसका डिफॉल्ट नेम जो है, लेंथ आ जाती है, साथ में ब्लर आ जाता है, ऊपर आता है। हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाकर हम देखते हैं इमेज है, फ्लैग है, अदर्स है। अदर्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अब वीडियो रिकॉर्डिंग की जहां तक बात आती है, तो अभी हमारे कई मतलब ऐसे लोग हैं जो हमारे चंद सिक्कों के लिए वीडियो बना रहे हैं, जिन्हें खुद का भी नहीं मालूम कि 4K के कैमरे को सपोर्ट करने के लिए किसी को डीमोटिवेट करने से बेटर है पहले आप खुद स्टडी कीजिए। 4K को कैमरे को सपोर्ट करने के लिए आपको TFT भी 4K चाहिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा, जैसे ही कन्फर्म करूंगा, ये देखिए रिकॉर्ड 4K में FPS आप कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग तो आपकी हो जाएगी, लेकिन रेजोल्यूशन जो है, अगर मैं आपका यहाँ पे 384020x2160 लेना चाहता हूँ जो कि इक्वल टू 4K है, मतलब आप हॉरिजेंटल में अगर 4000K की रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं, मैं कंफर्म करूंगा इसको डाल के यहाँ पे, तो ये फॉर्म दे बोले यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कंफर्म कि डिस्प्ले नॉट सपोर्टेड, डज नॉट सपोर्ट 4K। तो जब तक आप 4K कैमरे के साथ आपकी TFT जो है 4K सपोर्टेड नहीं है, कहने का मतलब ये है, तब तक आप वो क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 4K के अंदर। सबसे बड़ी चीज रिजोल्यूशन की जहां तक बात है, रिकॉर्डिंग आपकी बड़े आराम से हो जाएगी, तीन अलग अलग जगह पर 4K 30 FPS, फ्री FPS का मतलब है फ्रेम पर सेकंड, मतलब 30 फ्रेम पर सेकंड अगर आप ले रहे हो तो ये आपको पर सेकंड जो है रिजोल्यूशन जो है आपको दिखाएगा, मतलब फ्रेम में दिखाएगी चीज को। जैसे ये IC है, इसको आपको पर्टिकुलरली देखना है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ जूम आउट करके, ये हम लोग एग्जिट करके वापस यहाँ पे आए, मैं आपको जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा, छोटा कर दिया इसको। तो आपको सिर्फ सिंपली क्लिक करना है, डिवीजन हो जाएगा इसका, ये दो जगह पे डिवाइड हो गया बोर्ड आपका। आपको इसी चीज को चार पार्ट में क्लिक करना है, यहाँ से वापस कीजिए, दोबारा वापस जाइए, यहाँ पे चार पार्ट में ही हो गया। ये एक बोर्ड का छोटा सा पोर्शन है, जो मेन पोर्शन आप करना चाहते हो, जो आपका टारगेट पोर्शन है, जहाँ पे आपको काम करना है,
जैसे इस जगह पर आपको कोई चीज काम करनी है, कोई कंपनी यहाँ पे आपको अपने स्टूडेंट्स को बताना है, या किसी और को आपको वीडियो बना के भेजनी है कि मतलब फंड चेक करने के लिए, निकालने के लिए, फंड आउट करने के लिए, या फंड सॉर्ट आउट करने के लिए, तो जैसे आपको पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर जगह पर निशान लगाना है, तो सिंपली आप यहाँ से जाएंगे, वापस वही बैक करेंगे अपने उसको। ये आपका कैमरा आ गया, यहाँ से आप जिस कलर का पेन लेना चाहते हैं, जैसे रेड था, अब रेड से जो है मैं इसको ब्लू कलर पे आया था। मैंने इसको वाइड किया, छोटा किया, और ये मुझे पेन उठाना है, जैसे यहाँ म्यूजिक टूल पे क्लिक करना है किसी के ऊपर, ये यहाँ पर आते हैं कलर के लिए। अभी आपका कलर जो है आप चूज कर सकते हैं, आपने ये वाला ऑरेंज कलर चूज कर लिया, तो पेंसिल लिया आपने और इस पर्टिकुलर जगह को जो है आपको मार्क करना है, तो ये आपका मार्क हो गया। उसके बाद जो हमारे अदर्स फीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वापस हम आ जाते हैं इसके ऊपर, दोबारा हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने वाले खुल गया। जो चीज़ आप इसके अंदर सेटिंग से, अगर ये HDR पर है ठीक है जी, 4K में इसलिए नहीं कि 4K सपोर्ट नहीं कर रहा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया फ्लैग अदर्स के अंदर जाके, ये 4K को अगर आपको सपोर्ट करना है तो रिजोल्यूशन जो है आपका 4K से नहीं हो सकता कि आपकी डिस्प्ले जो है 4K को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ आपकी डिस्प्ले सपोर्ट कर रही है 1920x1080 रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रही है। इस चीज़ को सपोर्ट करने का सीधा मैसेज दे देगा डिस्प्ले नॉट सपोर्टेड। ये है मीजर सेटिंग। अगर आप उसका डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आप इसके अंदर लाइन्स डाल के जो है मतलब रिस्टोर सेटिंग आपने की यहाँ पे, तो ये लाइन आ जाएंगी आपकी सारी की सारी। मैं अभी आपको कुछ दिखा देता हूँ, फ्लैक्स पे गए हम, ये आपका जो स्नैप सेटिंग है वो ऑटो के ऊपर है, आप चाहो तो इसे मैनुअल के ऊपर भी कर सकते हो चेंज करके, देखिए यहाँ से। अब ये आपकी पैरामीटर सेटिंग, मीजर सेटिंग, जो आप इसके अंदर बोर्ड को डिवाइड करके किसी आपको लाइनें डाली है, कुछ आपको कुछ और करना है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसके ऊपर क्लिक किया, इमेज पे आए हम लोग, इमेज पे ये देखिए मिरर फ्लिप हो गया, ये चेंज हो गया आपका, फ्लिप पर आप गए तो ये कुछ और आपको इमेज दिखाएगा यहाँ पे, और मोनो के ऊपर ये आपको कुछ और इमेज दिखाएगा। वाइड बैलेंस अगर आपको, देखिए एक्सपोजर कंट्रोल करना है, मैनुअल पे ऐसा आ जाएगा, ऑटोमेटिक पे अपने आप आ जाएगा, ये आपका ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए है, ठीक है जी। वाइड बैलेंस को भी इसने ऑटो पे रखा हुआ है, अगर आप हटा दोगे यहाँ से ऑटो पे, या आपने वन पुश पे कर देंगे आप, तो ये आप इसका कलर जो है देखिए काफ़ी हद तक चेंज हो गया है यहाँ से, वाइडनेस का ऑटो पे आपने किया तो ये काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। उसके बाद जो है आपका ये है आपकी फ्लिप फ्रीक्वेंसी, देखिए ये सारी आपकी फ्लिप से मैं हटा दूंगा तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मोनो से भी मैंने हटा दिया तो ये और चेंज हो गया, यहाँ से हटा के ऑफ पर लेके गया मैं, वापस लेके आया 60 के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी रीस्टोर सेटिंग में आती है। रीस्टोर सेटिंग पर आप फिर क्लिक करेंगे, दोबारा से फ्लैक्स में आ गए, फ्लैक्स में आने के बाद अब आ गया आपका ग्रुप सेंट्रल रूलर। अब आपने जैसे ही दबाया तो यहाँ पे निशान आ गया सारे के सारे, रीस्टोर सेटिंग की तो ये सारी लाइन्स आ गई। इसके अंदर आप किस पार्ट को कहाँ रखना चाहते हो, आपको ये मेजरमेंट करनी है कौन सी आईसी किस जगह पर लगी हुई है, कितना इसका इधर से उधर आपको लेके जाना है, ये कलर भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जहाँ जहाँ आपको कलरिंग चेंज करनी है ये कलर भी आप चेंज कर सकते हो। लाइनें अगर आपको इनकी लेंथ को हाइट को जो है आपको बढ़ाना है या घटाना है तो वो भी बड़ा इजीली पॉसिबल है। आप देखिए कि लाइन थोड़ी मोटी हो गई उससे पहले से, और ये जो कलर है ये आपको जहाँ चेंज करना है वहाँ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन पूरी जगह ब्लू कर दिया तो ये ब्लू हो गया। ये जो लाइन्स है आपकी क्रॉस लाइन्स है, ग्रुप के अंदर आपको चेंज करके बताएंगे, रिस्टोर सेटिंग हो जाएगी, इमेज अलग अलग तरीके में क्लिक हो जाएगी, प्लस फ्लैग्स के अंदर जाके आप जो है सेंटर रूलर्स कर सकते हैं, इसको आप हटाना चाहते हैं क्रॉस लाइनों को तो यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। ये हटा के आपने रिस्टोर सेटिंग कर दी, सेव कर दिया इनको, तो ये सारी लाइनें जो है अपने आप ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगी एग्जिट करते ही। यहाँ से जब आप एग्जिट करके निकलेंगे वापस सेटिंग में आते हैं, क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही चला रहे होते हैं इस चीज़ को, कई चीज़ें हमें भी समझ नहीं पड़ती है। अदर्स में गए, ये चीज़ ये मीजर सेटिंग जो है इसको हमें हटाना है, तो यहाँ से क्लिक किया, वापस क्लिक किया, ये हटाया यहाँ से, और ये आपका एरिया से मैंने हटा दिया इसको,
ये ऊपर हटा दिया यहाँ से, तुझे सारी की सारी आपकी लाइंस जो है हट गई, वापस सेव किया, अप्लाई किया और एग्जिट कर दिया। तो ये जो कैमरा है, अगर आपका थोड़ा महंगा है उन कैमरे के कंपैरिजन में, तो उसके अंदर फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। इतनी फैसिलिटी, अच्छा जहां तक कलर की बात है, तो इसके अंदर खाली ये कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो ये बैकग्राउंड के कलर्स है, बैकग्राउंड के कलर्स जो है आपके आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे आराम से। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी एक बार वर्डनेस हटा देते हैं यहाँ से। जो आपको कैलिब्रेट करना है जहां से जहां कैंसिल कर देंगे उसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका आराम से। अब मुझे आपको सिर्फ ये कलर बताने हैं जो ये ऑटो बैलेंस है। अब आप इस कलर को यहां से ऑटो से हटा के यहां पर कुछ भी ले आइएगा, अब आप जाए सबको चेंज कर सकते हैं। ग्रीन थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा, किसी भी कलर चेंज हो रहा है उसमें। सिर्फ व्हाइट, जो पहले दो कैमरे मैंने आपको दिखाए उसमें सिर्फ व्हाइट और ब्लैक है। दोनों वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको कैमरे का डिफरेंस समझ आ जाएगा। ब्राइटनेस का जहां तक बात है, इमेज की ब्राइटनेस आपको कम ज्यादा करनी है तो ये आप कर सकते हैं यहां से। ये सब सिंगल माउस के ऊपर है, कंट्रास्ट आपको ऊपर नीचे करना है आप कर सकते हैं। सैचुरेशन देखिए, शार्पनेस किसी पर्टिकुलर जगह पर शार्प करना कर सकते हैं, डिनोइज। सबसे बड़ी चीज ये, जब आप इसको चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आप चेंज करेंगे उसका बहुत फर्क पड़ जाएगा। मिरर में देखिए, इसका इमेज पूरी इमेज चेंज हो जाएगी, साइड हो जाएगी। फिलिप के अंदर इमेज का अलग तरीका आएगा। देखिए इसने जो है फिलिप के अंदर जो है इसको मिरर के अंदर इसने इसको उल्टा कर दिया, इमेज को घुमा दिया। मिरर में देखिए, और फिलिप हटा देता हूँ। फिलिप हटाया तो मैंने ये एस के जो है इस साइड पर आ गया, यहाँ वाला एस के नीचे आ गया, ये आपका लिखा हुआ आ रहा है। अभी देखिए आप, मैं वापस मिरर पर हटा देता हूँ, ये उल्टा नहीं दिखा रहा, अभी दिखा रहा है ये 58240। जैसे ही मिरर क्लिक किया मैंने, ये उल्टी हो गई, आपकी पिक्चर में सारी की सारी उल्टी आनी शुरू हो गई। इसको हटा के मैंने मिरर को अगर फ्लिप किया तो फ्लिप के ऊपर जो है ये छोटी हो गई और साइड से चेंज हो गई। अगर आप मोनो कर देते हैं तो ये वही दिखाएगा आपको, नॉर्मल पिक्चर यहाँ पर दिखाएगा, मोनो में ये आपको जो आपका बोर्ड जिस तरह से रखा हुआ है सेम उसी तरह से दिखा देगा आपको, कुछ नहीं करेगा। बैकग्राउंड को थोड़ा जो है मोनो में जो है बैकग्राउंड में एक कलर दे देगा आपको, विदाउट मोनो जो है बैकग्राउंड कलर देगा, और मोनो कर दोगे तो बैकग्राउंड को जो है वो वाइट कर देगा, जो एज इज ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड है। ये देखिए, इसको आपको देखना है, ये आईसी आपको रीड करनी है, कुछ नहीं करना और क्लैरिटी आ जाएगी। किसी भी आईसी का नंबर रीड करने के लिए आपको, ये देखिए मैंने निशान लगाया हुआ है, इसीलिए आप रीड कर पा रहे हैं 195। इसी तरह अगर आपको आईसी का कलर रीड आईसी रीड करनी है तो ये देखिए एक एक आईसी जो है आप आराम से इजिली रीड कर पा रहे हैं। तो बड़ी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो जो है नॉलेजफुल लगती है, और आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो चाहिए, आपको लगता है कि आपको ऑपरेशन वीडियो की ज़रूरत है, तो आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम जो है आपको मोटिवेट कीजिए, दूसरे सेक्शंस के अंदर हमें प्रमोट कीजिए, अदर्स ग्रुप में प्रमोट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपको इससे बेहतर वीडियो बना के जो है प्रेजेंट करें। अब मैं इसको देखिए, अगर डिफॉल्ट में लाना चाहूँ तो डिफॉल्ट में ला सकता हूँ, इसको आपको हटा देता हूँ, ये सारा ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको ये डिफॉल्ट नहीं भी हटना चाहते तो रिस्टोर सेटिंग करते हैं, रिस्टोर सेटिंग करने के बाद ये एज एक्चुअल सेटिंग में आ जाएगा जो इसकी पुरानी सेटिंग थी। देखिए, और मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और कनेक्टर्स रख के। देखिए बोडियो की जहाँ तक क्लैरिटी की सवाल है, ये क्वालकॉम आईसी SM636 आप बहुत इजीली पढ़ पा रहे हैं। तो ये क्लैरिटी जो है ये एक्चुअल में 4K है, क्योंकि इसके अंदर आप रेजोल्यूशन जो है इसकी पहचान यही है। बाकी जो कैमरे मैंने आपको दिखाए थे उसके अंदर कहीं भी जो है 4K में वो चेंज आप करें तो वो नहीं जाता, इसके अंदर ये 4K में जो है यहाँ से जाके आप बड़ा इजीली फ्लैग्स के अंदर आएंगे, अदर्स में जाके यहाँ पे जो है रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं उसको। ये जो चीज़ें ये आपको बताती है कि ये जो है दोनों चीज़ों को सपोर्ट करता है, HDR को भी सपोर्ट कर रहा है और 4K को भी सपोर्ट कर रहा है। ये USB के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, आपके मॉनिटर के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, और HDMI केबल के साथ आप किसी बड़ी से बड़ी TFT के साथ आप इसे लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स। अगर वीडियो नॉलेजफुल लगती है तो बड़ी हमारी रिक्वेस्ट है दूसरे ग्रुप में शेयर करें ताकि लोग बेनिफिट ले सकें हमारी वीडियो से, और हम भी उनके मतलब सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।